हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यू के ड्रामा है ट्रू ब्यूटी, जिसमें आपको कॉमेडी से लेकर ट्रेजेडी, रोमांटिक, फ्रेंडशिप सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे लगता है कि वो बहुत अगली है, क्योंकि उसके आसपास वाले लोगों ने उसे ये एहसास बचपन से ही करवा दिया था। तब से उसे स्वीट और ब्यूटीफुल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कॉमिक बुक की शौकीन है और उसने चुनी हॉरर बुक। नाम है इसका जू क्योंग। क्योंग को पता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, पर उसमें कॉन्फिडेंस कोट कोट कर भरा हुआ है। ब्यूटीफुल ना होने की वजह से उसकी क्लासमेट उसे बहुत चिढ़ाती है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कहती। वो रोज की तरह अपनी क्लासमेट के कहने पर स्नैक्स लेने जाती है और वहां से मिलता है ये इंसान। इसका नाम है ह्यून बिन। ये यहाँ पर कैंटीन में काम करता है और क्योंग इस पर लट्टू है। वो लंच में उससे कहती है क्या वो उससे कल मिल सकता है। ह्यून बिन उसे हाँ कहता है। क्योंग घर जाकर उसके लिए बहुत सी कुकीज बनाती है। क्योंग के घर में उसकी मम्मी, पापा, भाई और उसकी बहन रहते थे। नेक्स्ट डे क्योंग ह्यून बिन को प्रपोज करने की सारी तैयारी कर लेती है और निकल जाती है अपने इस मिशन पर। वो बस की भीड़ में खड़ी होती है, तभी बस में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसकी ब्यूटी को देख कर सब लोग उसे रास्ता देने लगते हैं। ये है सैमी। ये वही है जो क्योंग को चिढ़ाती है। उसको तो बस में अच्छी जगह मिल जाती है, पर बेचारी क्योंग की हालत ये हो जाती है। स्कूल में अपना ये बॉक्स रख के वो कहीं गई होती है, तभी सैमी उसका ये बॉक्स देख लेती है। थोड़ी देर बाद क्योंग ह्यून बिन को प्रपोज करती है, तभी कोई उसकी वीडियो बनाता है, लेकिन ह्यून बिन उसे ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि पहले अपनी शक्ल देख लो। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी सैमी और उसकी गैंग वहां आ जाती है। यही है जो उसकी वीडियो बना रही थी। फिर वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आते हैं। ये भी क्योंग की तरह दिखने में कुछ खास नहीं थी, और ये मुश्किल से किसी से बात करती है, तो वो है क्योंग। और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। क्योंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो सुसाइड करने की इंटेंशन से टेरिस पर जाती है और अपने आप से कहती है मुझे अभी नहीं मरना। तभी वहाँ एक लड़का आता है। उसे लगता है कि शायद ये सुसाइड कर रही है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यही है हमारा मैन लीड सुहो। और वो कहता है तुम पागल हो गया, तुमने सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। क्योंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सुसाइड नहीं कर रही थी, पर वो कहाँ सुनने वाला था, और वो चला जाता है। क्योंग भी उसके साथ जाने लगती है, पर बिना चश्मे के क्योंग उसे कहती रहती है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, धीरे चलो, पर वो तो बस चलता ही रहता है। फिर सुहो उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है, तो क्योंग उसे कहती है वैसे तुम टेरिस पर क्या कर रहे थे, क्या तुम्हारे किसी पहचान वाले ने सुसाइड कर लिया था। तो वो कहता है अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंग को उठाकर उसकी हालत खराब हो जाती है, और फिर उसे पता चलता है कि लिफ्ट चल रही थी। सुहो उसे टैक्सी में बिठा देता है और जाने लगता है। क्योंग टैक्सी में बैठकर अपने चश्मे के बारे में सोचती है, तो उसे याद आता है कि उसने अपनी मॉम को मैसेज किया था कि वो सुसाइड करने जा रही है। फिर वो सोचती है कहीं उसकी मॉम ने मैसेज पढ़ तो नहीं लिया। वो जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है उसकी मॉम बहुत रो रही थी। उसे लगता है कि वो उसके लिए रो रही है, पर असल में उसकी मॉम इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके डैड ने पैसे इन्वेस्ट करने के चक्कर में किसी को दे दिए थे, और वो इंसान पैसे लेकर भाग गया। पर क्योंग को ये सब नहीं पता था, और वो अपनी मॉम से बोलती है प्लीज मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। उसकी मॉम उसे डांटने लगती है, और उसके भाई बहन कुछ इस तरह से उसे वहां से ले जाते हैं। क्योंग हमेशा किसी ग्रुप चैट में अपनी बातें शेयर करती थी। क्योंग सारी बात सोच कर सैड होने लगती है, तो ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसमें मेकअप के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट डे वो कुछ ऐसा मेकअप करके जाती है कि सब उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो जब घर आती है तो उसकी मॉम भी उसे डर जाती है। तब क्योंग कहती है कि मैंने मेकअप किया है। बातों ही बातों में उसकी मॉम बता देती है कि उसके पापा ने पैसे डुबो दिए, उन्हें ये घर छोड़कर पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ेगा और क्योंग को स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंग ये सुनके बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रूम में जाती है और मेकअप ट्राई करती है। दिन गुजरते जाते हैं और उसके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, और अब उसे मेकअप करने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ सोहू क्योंग के बारे में सोचता ही रहता है, और उसे टेरिस पर क्योंग की जगह अपना फ्रेंड दिखाई देता है। क्योंग अपने परिवार के साथ निकल जाती है पुराने घर में रहने के लिए। क्योंग मेकअप करके स्कूल के लिए जैसे ही निकलती है, उसकी फैमिली उसे देख के शॉक हो जाती है। खैर, नई क्योंग का नए स्कूल में पहला दिन है, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ सब उसकी खूबसूरती देख बस देखते ही रह जाते हैं। क्योंग अपना आईडी कार्ड लेने के लिए स्टाफ रूम में जाती है, तभी वहाँ सुहो भी आ जाता है। टीचर सुहो से कहता है कि वो क्योंग को क्लास में ले जाए। क्लास में जाकर सुहो अपना ब्लेजर देखता है तो उस पर मेकअप था।
कुछ देर बाद क्लास में क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉलेज के बाद वो सूहो का ब्लेजर साफ करने की कोशिश करती है पर वो साफ नहीं होता। तब क्योंकि की फ्रेंड्स वहाँ आती है और कहती है, ये ऐसा ही है, हम इसे हैंडसम साइको कहकर बुलाते हैं। ये है सोहा और ये है सुजीन। स्कूल के बाद क्योंग और उसके फ्रेंड्स बहुत इंजॉय करते हैं और क्योंग बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो कॉमिक स्टोर में जाती है जहां वो बचपन में जाती थी। वो अपनी फेवरेट हॉरर बुक लेने लगती है। तभी सुहो वहां आता है और बुक लेकर जाने लगता है। बुक छीनने के चक्कर में क्योंग सुहो पर गिर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हुआ। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।